नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। ओके बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सॉल्यूशन, जो दूसरा चैप्टर है पुरानी पद्धति के अनुसार, लेकिन इस सेशन के अनुसार पहला चैप्टर होगा विलयन। ठीक है, अब इसमें लेक्चर नंबर है 131, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर है 2.22। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 केल्विन पर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर यानी सेम टेम्परेचर पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार है तो उसकी सांद्रता क्या होगी। देखिए इस प्रश्न में दो केसे हैं, एक तो 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है और ग्लूकोज जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, कितना है, 36 ग्राम, और जो आपका सॉल्वेंट है यानी प्रति लीटर यानी एक लीटर है उसका आयतन कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दे दिया गया। और इसमें दो कंडीशन, यानी मान लिया पहले वाले का परासरण दाब इतना बार है तो दूसरे वाले का सेम टेम्परेचर पर परासरण दाब यदि इतना है तो उसकी सांद्रता निकालनी है बच्चों। ठीक है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले दो केसेज हम इसमें एज्यूम करेंगे, इन केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा इन केस नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब केस नंबर फर्स्ट में देखिए टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बच्चों, 300 केल्विन, ठीक है ना, और आपका जो सॉल्यूट है W2 की मात्रा कितना दिया गया है, 36 ग्राम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेंगे यानी M2 बराबर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, H12O6 होता है ग्लूकोज का, इसका मोलर मास निकालेंगे तो 6 कार्बन है, 1 कार्बन का 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, और प्लस 6 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 72 हो जाएगा ये प्लस 12 प्लस ये 96 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा, 6 2 8 2 10 जीरो एक बचा, 10 8 17 1 18, 180 ग्राम मोल इनवर्स 1 आएगा M2 बराबर, यानी मोलर मास आ गया बच्चों कितना, 180 ग्राम पर मोल इनवर्स 1। ठीक है, अब जब मोलर मास निकाल लिया आपने तो परासरण दाब को किससे निरूपित करते हैं, पाई से, यानी पाई बराबर कितना दे दिया है आपको, 4.98 बार, ठीक है, ये दे दिया। तो अब देखिए पाई हम मान लेते हैं यहां पे, पहले वाले केस को ए मान लिया हमने, ठीक है, अब यहां पे इसका कंसंट्रेशन वाला टर्म निकालेंगे यानी सी ए, मान लिया हमने ए एलिमेंट है तो कंसंट्रेशन का मोलरता वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है मोलरता वाला फार्मूला, आपका W2 बाई M2 गुणे 1/V आयतन लीटर में, ये होता है यानी विलेय की मात्रा बटे मोलर मास गुणे आयतन लीटर। अब यहाँ पे देखिए आयतन चूंकि यदि ml में दिया होता तो हम 1000 से गुणा कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है 1 लीटर, ठीक है, दिया हुआ है, तो फार्मूला रख करके इसको निकालते हैं, W2 का मान कितना है बच्चों, देखिए 36 ग्राम बटे M2 का मान ये रहा 180 ग्राम पर मोल इनवर्स 1 गुणे 1/ आयतन कितना है 1 लीटर, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इसका अब 36 में
आप देखिए 18, 18 दुना 36 और 18 एकम 18, यानी 10 हो गया। 10 से 2 में भाग देंगे तो 0.2 मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1, यानी इसका कंसंट्रेशन कितना आया बच्चों, ये आया। हम जानते हैं क्या होता है, इसका पाई मान लेते होता है, यानी इसको ए मान लिया, पाई ए बराबर सी आर टी होता है ना, ए इसलिए लिख दिया मैंने, आर तो गैस नियतांक है, दोनों में कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, इसलिए हमने इसको रखा। अब पाई बराबर सी ए आर टी, पाई ए का मान कितना है देखिए, इसलिए मैंने ए मान लिया था, यहाँ पे आएगा 4.98 bar बराबर सी ए, यानी 0.2 मोल प्रति लीटर इनवर्स 1। आर आर को ऐसे ही एजिटिव रख रहा हूं मैं, और टी टेम्परेचर का कितना है बच्चों, 300 केल्विन, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आइए दूसरे केस में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहां पर भी आपका टेम्परेचर सेम है, 300 केल्विन ही है, ठीक है, ताप, और यानी पाई बी बराबर हमने मान लिया कितना दिया है, 1.52 bar दे दिया है, ठीक है। तो फार्मूला रखेंगे हम, फार्मूला क्या होता है, पाई बराबर सी आर टी होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे बी के लिए सी बी मान लेते हैं कंसंट्रेशन, जिसकी मात्रा हमें निकालनी है बच्चों, ठीक है। पाई बी बराबर मान रखिए 1.52 bar इज इक्वल टू सी बी का मान निकालना है हमें, आर का मान वैसे ही रखना है, टेम्परेचर का मान कितना है 300 केल्विन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 है ना, तो इसमें अब हमारे पास क्या फार्मूला हो जाता है कि मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दे रहा हूं, यानी डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख लेता हूं मैं पहले, 4.98 bar बराबर कितना दिया हुआ है, 0.2 mole पर लीटर इनवर्स 1 गुणे आर गुणे 300 केल्विन, ठीक है। अब भाग देंगे तो समीकरण 2 वाले को इधर एलएचएस को एलएचएस में भाग देंगे, यानी 1.52 bar, ठीक है, ये बराबर यहां पे लगा देता हूं इसका बटे में, ये आएगा सी बी, यानी जिसका कंसंट्रेशन निकालना है, जो हमसे सांद्रता पूछ रहा था, आर को एजिटिव लिख रहा हूं और 300 केल्विन को एजिटिव लिख रहा हूं, 300 से 300 कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ठीक है बच्चों, बार से बार कट जाएगा, ओके। अब देखिए तिर्य गुणा करा लीजिए, यानी सी बी गुणे इतना बराबर इन दोनों का गुणा होगा 1.52 गुणे 0.2 मोल पर लीटर इनवर्स 1 बटे में, क्या आ जाएगा 4.98, इतना आया, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें भाग कराएंगे आप, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब बाकी गुणा भाग करा लीजिए, ये सी बी बराबर तो इसमें 0.06 mole पर लीटर इनवर्स 1, जो कि हमें निकालना था कि कितना कंसंट्रेशन होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसकी सांद्रता जो हमसे पूछा था ना, वो इतना होगा 0.06 mole per liter, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ नहीं किया गया है, बस फार्मूला रखा मैंने और आसानी से आपके सामने है ये, ठीक है। दो केस बना लिए क्योंकि इन्होंने अलग अलग ये दो चीजें दी गई थी परासरण दाब, इसलिए हमने केस 1 और केस 2 बना लिया। टेम्परेचर जानते ही दिया हुआ है, W2 की मात्रा दिया हुआ, आयतन का मात्रा दिया हुआ, मोलर मास निकाल लिया हमने, फार्मूला रख लिया कंसंट्रेशन का आयतन के संदर्भ में, और यहाँ पे पाई पाई का मान भी हम जानते हैं, परासरण दाब का फार्मूला CRT होता है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया और दूसरे केस में इक्वेशन 2 भाग दिया, कैलकुलेशन किया, इतना आ गया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नों के अनुसार, और हाँ बच्चों को सीखने को मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, सपोर्ट करिए, ओके, नमस्कार।